हेलो दोस्तों, आज हम बिलास की कटिंग करेंगे। तो मैं इसे डबल कटोरी बिलास बना रही हूँ। इसकी शोल्डर मैंने 6 इंच रखा है और आर्म होल 6 इंच लिया है। इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसे राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। इस तरह से, और आधा इंच हम इसमें फालतू लगाते हैं यहाँ से। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। गला मैंने यहाँ से 2.25 रखा है। नीचे से हम 6 इंच लेंगे, सॉरी लेंथ इसकी 6 इंच है और चौड़ाई नीचे से 2.5 इंच है। और इसका हम एक बॉक्स बना देंगे। इस तरह से गोल कर देंगे और शोल्डर को हम इस तरह से डाउन करेंगे। यहाँ से मैं 10 इंच रख रही हूँ सेंटर से। सॉरी, मैं चेस्ट ने बताया तो ये मैं 9 इंच का बता रही हूँ, 9 इंच का बना रही हूँ। और 1 इंच इसका मार्जिन लगा दे, 10 इंच हो जाएगा। और इस 8 इंच मैंने नीचे रखा है, चौथाई हिस्सा, 10 इंच नीचे मार्जिन के लिए। इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। बेल्ट मैंने इसमें 2 इंच की रखी है। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ से हम इस बेल्ट को हल्का सा उठाएंगे। यहाँ से हम 6 इंच लेंगे बेल्ट से और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। और गले की तरफ से हम 1 इंच लेंगे। अब इसे हम राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल करेंगे, इस तरह से। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, चौथाई, 3 हिस्से हमारे बनेंगे यहाँ पे, तीन तीन। तो हमें 2 हिस्से को छोड़ देंगे और पहला हिस्सा ले लेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पहले हिस्से को लिया है 3 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे बेल्ट की तरफ से, फ्रंट की तरफ से। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और बेल्ट की हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 3 आएगा बीचों बीच। और 2 इंच पर हम इसमें निशान देंगे यहाँ पे, टक्स का हमने 2 इंच लगाया बीच पर। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से तो ये हमारे निशान लग गए हैं। तो अब हम इस पर कटिंग करेंगे।
ये हमारी कटिंग होगी। और ये हमारा बैक हो गया इस तरह से। इस तरह से रखा जाएगा। ये हमारी बेल्ट होगी। तो मैं इसे कॉलर वाला डिजाइन दे रही हूँ। डेढ़ इंच की मैंने इसमें कॉलर लगाई है। यहाँ से हम इस तरह से गोल करेंगे इस तरह से। तो हमारा ये शेप इस तरह से आएगा बनकर। इस तरह से आएगा ये कॉलर में लगेगा ये। हम पट्टी बनाएंगे। एक इंच की हम पट्टी काटेंगे। हम पतली पतली इसमें पट्टी बनाएंगे। एक इंच काटने के बाद इस तरह से। तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ अखबार पे। तो आप कपड़े पे काटना तो एक इंच की पट्टी बनाना, जिसे हम अपने कॉलर के बीचों बीच ज्वाइंट करेंगे। तो हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा ये। तो हम इसमें ढाई ढाई इंच की इस तरह से पट्टी काटेंगे इस तरह से। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हम कपड़े पे काटेंगे तो हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और जब हम काटेंगे दूसरी कटोरी हम काटेंगे, जब भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि हमारी कटोरी छोटी ना पड़े सिलने के बाद। और हमें यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो हमारी कटोरी जो बनेगी वो छोटी नहीं पड़ेगी। फिर अपने बेल्ट की कटिंग कर देंगे इसमें। और ये गला बनने के बाद इस तरह से इसका शेप आएगा, इस तरह से आएगा इसका शेप। जब हम गले को ज्वाइंट करेंगे तो ये पट्टी हमारे इस बीच में आएगी। ऐसे ऐसे आएगी पट्टी, पतली पतली पट्टी। तो मैं आपको इस ऐसे ही लगा के बता रही हूँ। इस तरह से आएगा। जब गला ज्वाइंट होगा तो पहले हम इस वाली पट्टी को ज्वाइंट करेंगे अपने गले में, फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे कॉलर को। तो हमारा एक कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा और डिजाइन वाला बनकर तैयार होगा, जो पार्टी वगैरह में पहनने पे बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।